चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें आप लोग कक्षा 11वीं की जो राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक्स है, पहली हम लोग कवर कर चुके हैं, और दूसरी जो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के नाम से जो बुक्स है, इसमें अभी हम लोग आपके साथ चैप्टर खत्म कर चुके हैं। कौन कौन से? संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, ये 7 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं अभी तक। और आप देखिए, ये वो टॉपिक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आपकी तैयारी के दौरान। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग जान चुके होंगे कि बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं उखड़ने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? और भी मैं तो कहता हूं, भारत में अगर रह रहे हैं आप लोग, तो कम से कम आपके भारत के संविधान के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, आपके प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह से होता है, राष्ट्रपति साहब का चुनाव क्या होता है, कि इनकी शक्तियां क्या है, आपके पास न्यायपालिका का क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, संघवाद क्या है, स्थानीय शासन क्या है, जो आज टॉपिक आपका देखने वाले हैं हम लोग, ये है आपका स्थानीय शासन, जिन्हें आप लोग देखते रहते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जगह दी गई है। एक बात और याद रखिए, अगर हमारे जो बापू यानी कि गांधी साहब कुछ साल तक और जी जाते, क्योंकि आप जानते हैं 1948 में उनकी हत्या कर दी जाती है, तो संविधान में उन्हें तभी जगह मिल जाती, किन्हें? आपकी पंचायतों को, स्थानीय शासन को, जो आप जानते हैं कि 73-74वें संविधान संशोधन द्वारा एक तरह से उन्हें जगह दी गई है। माफ करिए, अगर मैंने पिछली बार अगर 73-72 कर दिया हो, यहाँ अगर 73-74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ने? तो आप लोग सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा, कभी कभी इस तरह के शब्द निकल जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कर दिया करिएगा। इसे एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था और एक 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं कि पंचायतों से संबंधित था आपका, और 74वां संविधान संशोधन जो आपका नगर पालिकाएं होती है ना, जिन्हें आप लोग नगर पंचायत भी कह लेते हैं, नगर पालिका भी कहते हैं, नगर निगम भी कह देते हैं, ठीक है, इसके अंदर इसकी बात की गई है। चलिए, इनके बारे में आप लोग बड़े विस्तार से बात करते हैं, तो बड़े आपको धैर्य से सुनना है, और अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो बड़े धैर्य के साथ आपको पढ़ना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत साधारण तरीके से लिखी गई है बुक्स आप लोगों को समझाने के लिए एक तरह से, ठीक है। और इससे पहले जितनी भी आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की कवर की गई बुक्स, जो आपकी सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, उन सबकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। और इन सबकी क्लासें आपको प्लेलिस्ट सूची में, जो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी सूची बनी हुई है, उसी में डली हुई है, ठीक है। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप इनके बारे में जान सकेंगे। किनके बारे में? स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। ऐसा माना जाता है कि सरपंच एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने कर्तव्यों को अगर निभाने लगे तो 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती है ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि आप जानते हैं कि सब व्यक्ति की कौन कौन सी प्रॉब्लम है गांव में क्या है, ये कौन जान सकता है? सरपंच साहब जान सकते हैं, ना कि आपका लोकसभा सदस्य और ना ही विधानसभा सदस्य, ना ही आपका विधायक। सरपंच क्या है कि लोकल होता है, वो सबके बारे में जानता है कि किस घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अब उसे उन समस्याओं को उठाना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि खैर ये अलग बात है कि सरपंच अपना विकास करता रहता है, जनता का विकास छोड़ देता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, और वो सरपंच के घर से ही ऐसा कोई लड़का था, तो मैंने पूछा कि वो तुम्हारे यहाँ काम कैसा होता है, क्योंकि अभी आपने एमपी में देखा होगा एक महिला को, बूढ़ी महिला जो सरपंच है, उसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है उसके काम के लिए एक तरह से। तो उसने कहा कि देखिए, हमने ये फॉर्चूनर मतलब ये गाड़ी फोर व्हीलर ले ली, ये ले लिया, ये लिया, ये वाहन ले लिया, ये मशीन ले ली, ये मशीन ले ली, मैंने एक घर यहाँ बनवा लिया, एक वहां बनवा लिया।
तो मैंने बोला तुम्हारे विकास तो हो चुका, मुझे दिख रहा है तुम्हारा विकास, तुम गांव के विकास की बात करो। तो उसने कहा कि जब मेरा विकास होगा या गांव वालों का। तो आप समझ सकते हैं कि जब सचिव और सेक्रेटरी, इसी तरह मैंने कहीं और आरटीआई से आपका मांगा हुआ था, तो मैंने देखा कि वहां आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास की योजना कुछ चल रही थी, कुछ स्वच्छता भारत को एक तरह से सही दिशा देने के लिए आपने देखा होगा कि बाथरूम लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए कुछ पैसे आते थे। तो मान लीजिए उसमें अगर 20,000 रुपये मिल रहे हैं अगर लेटरिन बाथरूम के लिए, तो उसमें आपने देखा कि 5,000 रुपये तो सेक्रेटरी और सरपंच साहब के, सचिव और सरपंच साहब के थे। इसी तरह आपने देखा है 20 से 30 हजार रुपये प्रधानमंत्री आवास में से उन लोगों ने खाए हुए। अधिकतर कई पंचायतों में आप देखेंगे ना तो वृद्धाश्रम का कोई, वृद्धावस्था जो भी पेंशन रहती है उसकी व्यवस्था है, आप समझ रहे हैं, ना ही कोई अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। अधिकतर पंचायतों में आपको यही देखने को मिलेगा। और आप जिस तरह से उन्हें चुनते हैं वही दे रहे हैं। ठीक है, एक खेल छोड़िए, हमारा इस पर कोई ज्यादा फोकस देने वाला कुछ अभी नहीं है, ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है। अब मैं कहता हूं कि आपको आरटीआई अधिनियम मिल चुका है, अधिकार मिला हुआ है आपको, आप सरपंच का जीना आराम कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि जिस समय से वो सरपंच बना हुआ है तब से पूरे काम की लिस्ट निकलवाइए, उसकी जांच करवाइए। ठीक है, इस तरह आप भी कर सकते हैं। देखिए सरकारें कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं, आप समझिए। स्वच्छ भारत अभियान अगर सफल हुआ है तो मैं प्रधानमंत्री से ज्यादा, प्रधानमंत्री की सरकार से ज्यादा योगदान उसमें आप लोगों का रहा है। अगर आप चाहे तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और अगर आप पंचायत में, जिस भी पंचायत में, नगर निगम में रहते हैं, तो मुझे लगता है आप पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए। खैर छोड़िए, आप लोग जो भी चाहें कर सकते हैं। तो ये हम 73 और 74वें संविधान संशोधन के बारे में बड़े विस्तार से जानना है। स्थानीय सरकारें आखिर सरकार क्यों? आखिर मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, गीता राठौड़ इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गाँव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपने पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया है। पंचायत राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004 में एक कुछ निकला हुआ था। तो एक बात और आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में नहीं, कई राज्यों में मैंने देखा है कई सरपंचों को अवार्ड दिया गया है, समझ रहे हैं आप लोग, उनके कामों के लिए। और आप समझिए, अगर सरपंच, अगर मैं कहता हूं कि अपने कर्तव्य निभाना शुरू करें, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कई तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। सफल महिला की ऐसी ही एक कथा और है। यह महिला तमिलनाडु के एक गांव बेंगेवासल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन बेंगेवासल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने बेंगेवासल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराएं। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्यवाही के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया है। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की और खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। और न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन करता है। पंचायत राज अपडेट खंड 12 जून 2005 का मामला है। एक बात आपको याद रखनी चाहिए, आप सोचिए कि कलेक्टर को भी एक तरह से टक्कर दे सकता है सरपंच। और आपके यहाँ के सरपंच जब पहले घर तो भर ले, उसके बाद वो आपके तहसीलदार और कलेक्टर से तब निपटेंगे ना, विधायक से तब निपटेंगे जब उनका घर खुद भर जाए। वो बड़ी अच्छी कहावत है ना एक, कि जिसके घर शीशे की हुआ करते थे वो पत्थर नहीं मारते हैं दूसरे के घर में। यही हाल इन सरपंचों का है कि खुद भ्रष्टाचार में अगर आप संलिप्त हैं, एक तरह से सम्मिलित हैं, तो आप कहाँ आवाज उठाएंगे।
आप ना तो फंड की बात करेंगे, और जितना फंड आता है उसमें से आपका 90-95% आपकी जेब में चला जाता है, तो आप कहेंगे कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन किससे, क्या इस तरह के उदाहरण नहीं है कि जहां गांव की पंचायत के पुरुष सदस्य ने महिला सरपंच को परेशान किया हो? जब महिलाएं अधिकार के पद पर बैठती हैं तो पुरुषों को इससे खुशी क्यों नहीं होती है? ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती है। ये 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है, ठीक है, 1993 वाली। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं आप लोग। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। और स्थानीय शासन का विषय है कि आम नागरिक की समस्याएं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है। आप समझिए कोई परियोजना चल रही है, ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, मुझे लगता है इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। अब उससे, उस परियोजना से कितने लोगों को लाभ हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, ये मुझे लगता है केंद्र सरकार नहीं मालूम चलेगा, केंद्र सरकार को ना ही आपकी राज्य सरकार को इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज रहेगा। लेकिन इसके बारे में सरपंच साहब या आपकी जो भी नगर का जो भी व्यक्ति है, जो भी मैन है, उसे जरूर मालूम होगा कि इससे कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोगों को नुकसान होगा। अब इसकी इसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचाना किसका काम है? इन्हीं लोगों का, सरपंच का या नगर निगम जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका। लेकिन आपने देखा है कि जो भी परियोजना चलती है तो उसमें कुछ हिस्सेदारी सरपंच साहब को मिल जाती है, तो वो खुश रहते हैं और भाड़ में जाने दीजिए जनता को। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि फर्जी मनरेगा कार्ड भी बना दिए गए, मतलब सरपंचों को आप देख सकते हैं कि कितना मतलब। और ये हकीकत है कि एक समय हुआ करता था कि हमारे, आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके पास, आप समझिए, कार लेने के लिए पैसे नहीं थे। जब उनके परिवार ने थोड़ा प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो उन्होंने एक कार खरीदी ऋण पर। वो अपने जीते जी उस कार का ऋण चुकता नहीं कर पाए। और आज के सरपंच साहब को देख लीजिए आप लोग, एक बार सरपंच जीत जाता है तो वो फॉर्चूनर खड़ी कर लेता है अपने गेट के सामने। तो वैसे नेता होते हैं हमारे देश में, अगर तो आप समझिए कि हमारे देश की तस्वीर कुछ और ही होती है। आज के नेताओं को आप देखिए, अधिकतर नेता आपको भ्रष्ट मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, हत्यारे मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, उनसे ज्यादा आप लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप अपने बच्चों की भविष्य की उम्मीद मत करिए कभी उनसे। इसीलिए कहता हूं कि आप कम से कम वोट दीजिए, मैं कहता हूं कि जिसे भी देना है आपको दीजिए, लेकिन शिक्षा का मुद्दा जरूर उठाइए, स्वास्थ्य का मुद्दा जरूर उठाइए, रोजगार का मुद्दा जरूर उठाइए, तभी आपका परिवार शक्तिशाली बनेगा, तभी हमारा देश भी शक्तिशाली बनेगा। दिल्ली की सरकार से मैं खुश हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी सरकार भगवान करे पूरे सभी राज्यों में हो। हम तो कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हो। देखिए हमारी आर्मी इतनी कमजोर नहीं है कि प्रधानमंत्री की जरूरत पड़े उसे दूसरे देश को हराने के लिए। हमारी आर्मी काफी मजबूत है, हमारे सैनिक जो भी हैं वो अपना कर्तव्य निभाना जानते हैं। और ये कोई नया बात नहीं है कि अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब है, इन्हीं की बदौलत वो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी के समय आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय देख सकते हैं, इंदिरा गांधी के समय आपने देखा है कि 1971 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। तो क्या आप तब भी कह सकते हैं कि, देखिए रोल इसमें प्रधानमंत्री का ज्यादा कुछ नहीं है। अगर देश मजबूत होता है, आप मजबूत होते हैं, तो सेना भी मजबूत रहेगी। अब पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, जब वहां के नागरिक ही मजबूत नहीं होंगे तो सरकार क्या मजबूत रहेगी, सैनिक क्या मजबूत रहेंगे? तो सबसे पहले अपने घर से साफ करना, अपने घर से मजबूती खड़ी करनी चाहिए, तब तो मुझे लगता है कि देश में वही भक्ति है। आपने देखा है कि अभी चाइनीज सामानों का वाइकआउट करने का प्रोग्राम एक तरह से चलने लगा, कई लोगों ने अपनी टीवी फोड़ दी, मोबाइल फोड़ दिया भावनाओं में बहकर। मैं कहता हूं कि आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? मैं सरकार की यही बात कर रहा हूं कि सरकार दूसरा विकल्प उपलब्ध करा दे, जनता के मन में देशभक्ति आ जाएगी अपने आप। अब आप सोचिए कि 6,000 का फोन मिल रहा है, 5 का फोन मिल रहा है, 5,000 का, चाइनीज कंपनी का, वही फीचर्स है, और भारत में अगर कोई कंपनी बना रही तो वो 10,000 का दे रहा है। तो देखिए यहां देशभक्ति दिखाने में मुझे लगता है कि 2-4 लोग दिखा देंगे, लेकिन हर कोई चाहता है कि सस्ता फोन हमें, सस्ती चीजें मिले।
तो भारत सरकार ये कर सकती है कि उसका कोई विकल्प उपलब्ध करा दीजिए, वही फीचर्स रहेंगे और वही सब कुछ रहेगा, उतने ही कीमत में रहेगा। और ये कैसे होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, हमारे पास रोजगार होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपने देखा है रफेल खरीदे गए फ्रांस से, हम लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, हम लोगों ने बड़े बम फोड़े। मैं कहता हूं कि देखिए हमें खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आज जो रफेल हम लोगों ने खरीदे वही पाकिस्तान के पैसा पास पैसा होगा, पाकिस्तान खरीदेगा। और अगर रफेल खरीदने से अगर शक्तिशाली कोई देश हुआ होता तो फ्रांस दुनिया में सबसे टॉप पर होता, फ्रांस से पूरी दुनिया लड़ रही होती, डर रही होती। आज आप देखते हैं फ्रांस से कोई नहीं डरता है। हमें खुशी उस दिन होनी चाहिए जब हमारे देश में इससे तगड़े विमान बनाए जा रहे होंगे, लड़ाकू विमान, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही होंगी सेना को, तब हमें। ओके, ये कैसे होगा? आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर। अब देखिए नई शिक्षा नीति आई हुई है, किस तरह से लागू होती है आने वाले समय में मालूम चलेगी। और स्थानीय स्तर पर मैं कहता हूं कि देखिए कितने साल जी जाएंगे अगर आप कायर और बिना बोले जी सकते हैं, हो सकता है आप 200 साल जी जाए, लेकिन गलत हो रहा है वो अगर आप 10 साल भी जीते हैं उसका विरोध करते हुए मारे जाते हैं, तो मुझे लगता है वो जिंदगी बेहतर है आपकी। आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, और एक तरफ आप सिंधिया के बारे में पढ़ते हैं, तो रानी लक्ष्मी के बाई के बारे में क्या लिखा गया है कि वो वीर मर्दान एक तरह से वीरता को प्राप्त की है और लड़ती हुई शहीद हो चुकी है। और वहीं सिंधिया के लिए क्या शब्द होता है? गद्दार था सिंधिया। अब इस शब्द को मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में कोई हटा पाएगा। और इस इतिहास जब तक जिंदगी रहेगी मानव की तब तक इतिहास चलता रहेगा, तब तक वो गद्दार शब्द बना रहेगा। तो आपके काम से ही आपके कर्मों से ही याद रखा जाएगा इतिहास में आपको। तो इस तरह का कहीं भी घोटाला होता है, कहीं भी पंचायत में अगर कोई किसी को अधिकार नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आवाज उठनी चाहिए। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है कि स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा है कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। बेंगे वसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा है, अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ पे रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ है। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। और एक बात और आपको बताऊं कि यहाँ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो भी इस तरह की भूमिका है सरपंचों की, उन्हें आप समझिए कि अधिकतर सरपंच नहीं निभा रहे। क्या कर रहे हैं? अधिकतर सरपंच उन जो भी समस्या रहती हैं, जो भी काम रहते हैं, उन्हें नहीं उठाते हैं। अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा है, मैंने तब भी आप लोगों से कहा था कि अगर लॉकडाउन में हमें कोरोना वायरस से यानी कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो सभी की सहभागी होनी चाहिए, सभी को एक होकर लड़ना होगा। आप समझिए कि बाहर से जैसे दिल्ली गुजरात मुंबई से लोग बाहर लौट रहे थे, मतलब घर अपने वापसी हो रहे थे, तो मुझे लगता था कि उन्हें अच्छे से क्वारंटीन की व्यवस्था हो या कोई और सुविधा देने की बात हो। तो ग्राम पंचायत के लेवल में गांव में अगर कोई जा रहा है तो सरपंच साहब आसानी से पता लगा सकते हैं कितने लोग मतलब गांव में आए, उन्हें क्वारंटीन की व्यवस्था आराम से कर सकते थे। जैसे स्कूल हो गया, आप वहां भी तो रख सकते थे उन्हें, या और कहीं इस तरह की व्यवस्था आप लोग कर सकते थे। लेकिन आपने देखा है सरपंच साहब को खुद टाइम नहीं मिला, घर में बैठे रहे, तो इसलिए आपने देखा है क्या हालत बन चुकी है, किस तरह से लोग त्राही त्राही मतलब एक समझ गए आप लोग की मान गए। और हमारे नेता जो भी आप लोगों ने जिन्हें भी अपने नेतृत्व नेतृत्व चुन करने के लिए चुना था वो घर में बैठे रहे अपने, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम ऐसा नेता चुनिए जो हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहे, वो किसी भी पार्टी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है। बेंगे वसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने की को एक के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन में जुड़े मसले, जरूरतों
उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। आप लोग देखते होंगे अभी लोकतंत्र का सूचकांक आया हुआ था आपके देश का, उसमें आप लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों ने देखा होगा कि सभी देश ऊपर से टॉप कर रहे हैं, बहुत सारे देश, और हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। नीचे से टॉप करने का मतलब मेरा यही है कि आपकी, मान लीजिए आपकी पंचायत, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और परीक्षा का रिजल्ट आता है, तो ऊपर से आप या आपके दोस्त ऊपर से टॉप करते हैं, लेकिन कोई बच्चा होता है जो नीचे से टॉप करता है, जिसका रिजल्ट सबसे खराब रहता है, तो उन्हीं की गिनती में हमारी भी स्थिति है लोकतंत्र में। कोई अच्छा लोकतंत्र नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई लोकतंत्र का सूचकांक जो आता है उसमें अच्छा कोई परिणाम नहीं रहता है। तो ठीक है, जो है ठीक है, लेकिन पाकिस्तान चाइना से ठीक है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। अभी क्या यह संभव है कि हमारे यहाँ सरकार सिर्फ स्थानीय स्तर पर हो और राष्ट्रीय स्तर पर इसके समायोजन का निकाय हो? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने इस तरह की कोई बात कही थी। सही, बिल्कुल है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं, बेकाम स्थानीय लोगों, उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, और क्योंकि इस बात पर का सीधा असर उसके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान भी है। ठीक है, क्या है? समान भी है। और याद रखिए, यही अब कहां पहुंचे आप लोग, स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कैसे? ऊपर दो उदाहरण दिए गए हैं इसमें, उसमें आप देखेंगे तमिलनाडु सरकार का आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। जब भी आप लोग पंचायत के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं तो इन उदाहरणों को आप बता सकते हैं कि सरपंच एक काम कर सकता है, अगर अपने सरपंच अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। देखिए, बार बार मैं कर्तव्यों का भी कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, कहीं भी ये शब्द बोलता हूँ, तो मान लीजिए कर्तव्य आप लोग मौलिक संबंध, मतलब आपके मौलिक कर्तव्य भी तो है। संविधान में आप देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आपका कर्तव्य है कि आपकी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, लेकिन आप देखते हैं कि जब भी आंदोलन होता है तो सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका भुगतान भी आप ही लोग करते हैं टैक्स के द्वारा। ठीक है, और कर्तव्य का मेरा मतलब होता है कि आप समझिए कि आपने कोई रिश्ता बनाया हुआ है। आजकल मान लीजिए जो चल रहा है बाजार, मतलब देश दुनिया में एक तरह से, इसमें आपने देखा है आपको किसी से प्यार हुआ मान लीजिए। ठीक है, और हो सकता है, देखिए इसका पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मान लीजिए आप सामने वाले पर 100% भरोसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, और आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो ये सामने वाला का, बाले का भी कर्तव्य या बाली का भी कर्तव्य है कि वो आपके भरोसे को बनाए रखें। समझ रहे हैं आप लोग? अब हो सकता है कि सरपंच की तरह वो भी आप समझ सकते हैं कि जो भी हो वो भी इस तरह का काम करने लगे, अपने कर्तव्यों के से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना ना हो, तो आप यहाँ धोखा खा सकते हैं। जिस तरह से आप ठगे जाते हैं सरपंचों के द्वारा या अपने जो भी नेता होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो सोच समझ के जो भी किया करिएगा। ठीक है, मतलब मेरा मतलब समझ रहे हैं? चाहे चुनाव फिर अपने जीवन साथी का हो या फिर चुनाव किसी रिश्ते का हो या चुनाव पर किसी नेता का हो, बड़े सोच समझ के बात किया करिएगा और समझ मतलब चुना करिएगा उसे। भारत में अगर स्थानीय शासन के विकास की हम लोग बात करें तो आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे आज ही कोई नई व्यवस्था कर दी गई हो। आप देखते हैं कि प्राचीन भारत से ही आप लोग सभा के बारे में सुनते रहते हैं, ग्राम पंचायतों के बारे में एक तरह से यही है सभा है। समझ रहे हैं आप लोग? कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि सभी लोग सम्मिलित होकर निर्णय लेते थे, अपने गांव के बारे में देखते थे, तो आप समझ सकते हैं। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहल कदमी की और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। क्या? मुकामी बोर्ड।
बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बने। उस सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही आपकी। यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, इन्हें भी देख लीजिए। जब आप लोग कहते हैं कि नोट से बनाकर पढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, कोई भी बुक्स है, पहले तो कम से कम उसकी एक बार आप लोग शक्ल देख लीजिए। अब एनसीईआरटी का आप समझिए शॉर्ट नोट्स बनाकर कोई पढ़ा दे, तो आप ये चित्र कहाँ देख पाएंगे, कार्टून कहाँ देख पाएंगे। मैं अतीत के बारे में तो नहीं जाती, लेकिन मेरे मन में यह शंका जरूर उठती है कि गांव की पंचायत के लिए चुनाव ना हो तो ऐसी पंचायत में गांव के बुजुर्गों, अमीर लोगों और समाज के ऊपर तबके के पुरुषों का बोलबाला रहेगा। ये सही भी बात है। अच्छा, अच्छी है कि कम से कम सभी लोगों को एक तरह से वोट का अधिकार दिया हुआ है, वरना आप सोचिए कम से कम सरपंच 5 साल में आपके द्वार रहता है पर आ जाता है, फिर चाहे आप लोग गरीब हैं या किसी भी जाति से आते हैं, ये भी काम खत्म हो जाता है अगर आपके वोट का कोई महत्व ना होता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि बंटवारा होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया है। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी कि इस कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था, और था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। चलिए हटाइए इन्हें, आप लोग इस स्तर पर मत समझिए। मैं तो कहता हूँ एक परिवार के स्तर पर आप लोग समझिए। मान लीजिए आपके परिवार में एक पिताजी हैं, माताजी हैं, उसके बाद 4 से 5 भाई भाई हैं उनके, मतलब बेटे हैं उनके, समझ रहे हैं आप लोग? तो समझिए आप लोग कि पिताजी के पास शक्ति है सब कुछ पूरे, फिर चाहे वित्तीय या वित्त की बात हो, यानी कि आर्थिक कोई भी परिस्थिति की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, या और भी कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। आप समझिए, पिताजी हो सकता है कि अच्छे से काम ना निभा पाए, उस शक्ति का अच्छे से उपयोग ना कर पाए, अच्छे से मतलब अपना कर्तव्य ना निभा पाए, क्योंकि सभी शक्ति एक के पास होना, हो सकता है पिताजी का रूप तानाशाही की ओर बढ़ जाए, कि वो कहें कि हम ही राजा हैं। हमारी इस बात पर अगर आपने गौर नहीं किया तो आपको कल से घर से निकाल दिया जाएगा। इसका काम एक भी हो सकता है कि सभी भाइयों में थोड़ी थोड़ी शक्ति का बंटवारा कर दिया जाए कि ये शक्ति आपकी है, इस क्षेत्र में आपको करना है, आपको खेती संभालनी है, आपको इस परिवार को संभालना है, आपको घर को संभालना है, आपको इस तरह की करना है। तो मुझे लगता है बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप देखते हैं केंद्र में एक केंद्र सरकार हो गई जो राष्ट्रीय स्तर के जो भी मामले हैं उन्हें देखता है कि हमें दूसरे देशों से किस तरह के संबंध रखना है, किससे नहीं रखना है, क्या निर्णय लेना है। फिर आप देखते हैं राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, फिर आप देखते हैं स्थानीय सरकार पर ग्राम पंचायतें होती हैं कि गांव में क्या समस्या है आपकी, तो इन्हीं की बात। इसीलिए एक तरह से विकेंद्रीकरण का मतलब ही यही है कि बंटवारा कर देना शक्तियों का, ठीक है सब में। भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए कि समूचे भारत की आजादी, आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा, और इसका मतलब हर यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों की को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पैरामिड की तरह होगा और जिसमें शीर्ष स्तर पर टीका टीका होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और इस याद रखिए, इस पॉइंट को आप लोग आंसर में दे भी सकते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिए। इस तरह के डायरेक्ट भी पॉइंट आपके कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है? तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिल गई थी। किन्हें आजादी मिली थी? कुछ खास लोगों के हाथों में ये आजादी आ चुकी थी। अब इसका क्या होना था? बंटवारा होना था, जिस तरह से आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई आपके घर में प्रसाद देने आता है कि लीजिए, आपके माता पिता को दे जाता है कि ये बच्चों में बांट दीजिए, और माता पिता क्या करें कि उस प्रसाद को अकेले ही एक तरह से अपने पास रख लें, तब क्या होगा कि उसका बंटवारा तो नहीं होगा। इसी तरह आपके ही कुछ खास लोगों के हाथों में अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, और गांधी जी ने यही कहा था कि आप निचले तबके से बांटना शुरू करिए, ऊपरे जो भी ऊपर सबसे ऊपर तबका होगा वो उसके पास अपने आप पहुंच जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग? एक तरह से आप समझिए,
टंकी भरने की बात करें या खेत भरने की बात करें, आप नीचे से भरना शुरू करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं, हो सकता है कि आप ऊपर से भरेंगे वो कुछ दूरी तक पानी पहुंचे वो खत्म हो जाए, लेकिन आप निचले तबके से भरना शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर तक टंकी भर जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? और या नहीं भरेगी, कम पानी रहेगा, तो निचले तबके के पास जिन्हें असल में आजादी यानी कि हकीकत में आजादी चाहिए उन तक तो कम से कम आजादी पहुंच जाएगी। तो गांधी जी ने इस तरह की व्यवस्था की बात की थी। लेकिन आपने देखा है कि आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ST ST के साथ भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय विदेशों को सौंप दिया गया और संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। और इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में से इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता है, इसकी प्रवृत्ति प्रधानता सलाह मशवरे की है। ऐसी बात है कि आपको जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी आपके प्रावधान किए गए हैं, अगर उनकी सुविधा आपको नहीं मिलती है, आप सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं उसके लिए कि सर हमें ये सुविधा नहीं मिल रही, दिलाइए। वो सरकारों राज्य सरकारों पर एक तरह से निर्भर रहता है कि वो आपको दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती हैं सुविधाएं। ठीक है, याद रखिए। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को जिसमें पंचायत भी शामिल है संविधान में यथोचित महत्व तो नहीं मिला है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है, देश के विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा है। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरा, ये एक संविधान सभा में डॉक्टर B R अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है और स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के इस ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटिया मेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसलिए शक्ति नहीं दी जा रही थी क्योंकि आप गांव में देखते थे या फिर और कहीं भी देखते थे, क्योंकि बड़े लोगों का दबदबा था। एक तरह से आप सोचिए कि अगर राज्यों को, अगर जो भी प्रांतीय उस समय रियासतें थी उन्हें अधिक एक तरह से शक्ति दे दी जाती, तो वो असल में सही बात थी कि वो अलग भारत बना लेते, अलग देश एक तरह से बना लेते जो बात करते थे। ठीक है, तो इसलिए भी इन्हें भी आप लोग उदाहरण में दे सकते हैं वहां की क्यों नहीं दी गई है। ठीक है, बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जनभागीदारी के महत्व से इंकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक ना हो। अगर सभी एक तरह से एक होते, ना तो ST ST के साथ कोई भेदभाव होता, ना ही महिलाओं के साथ भेदभाव होता, ना किसी और के साथ भेदभाव, तब मुझे लगता है कि कह देते कि हाँ ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत व्यवस्था सही है। और मुझे लगता है तभी इसमें संविधान में जगह नहीं दी गई थी 1949-50 में। ये जाके आप देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया होगा एक तरह से आपका। आप में से कई लोगों के सवाल हैं कि आर्टिकल क्यों नहीं बताए जाते हैं, अनुच्छेद क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब मुझे लगता है कि आप लोगों को NCERT मत पढ़ो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर आर्टिकल ही रटना है तो आप लूसेंट उठा के रट सकते हैं ना। मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो जब M लक्ष्मी का था, आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे पॉलिटी की, तब आपके सभी आर्टिकल आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे अपने आप। आपसे क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं IAS या आपके स्टेट PCS में कि आखिर हमें पंचायतों या स्थानीय प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ी। समझ रहे हैं आप लोग, इस पर आपके क्या विचार हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ, तो आप लोग ज्यादा मतलब एक तरह से आप परेशान मत हुआ करिएगा। जब भी आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे तब आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ केवल बताया जा रहा है कि किस कारण से शुरुआत में जब संविधान का गठन हुआ तब पंचायतों को संविधान में नहीं रखा गया है, इन सब की जानकारी दी जा रही है। आखिर क्या काम है इनके, किस तरह से आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। आप लोगों में क्या है कि बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं आप लोग। एक सामान्य जानकारी अगर आपको दें तो आप सभी जानते होंगे कि आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उस समय के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था।
और 24 अप्रैल 1973 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया। इसीलिए आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और आप जानते हैं कि इसमें आपकी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, और इसके तहत आपने देखा होगा कि 29 विषय को विषयों की सूची व्यवस्था भी की गई है। और आपको याद होना चाहिए त्रिस्तरीय बनावट इसमें रखी गई है। आप देखते हैं सबसे पहले स्थान पर आपका ग्राम पंचायतें को देखने को मिलेगी, दूसरे स्तर पर आपको मंडल देखने को मिलेगी जिन्हें आप लोग खंड भी कह देते हैं या फिर आप लोग तालुका भी कह देते हैं, और सबसे आपको ऊपर देखने को मिलेगा जिला पंचायतों का स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका चुनाव डायरेक्ट होता है सरपंचों का, और आप जानते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष बाद दोबारा एक तरह से चुनाव होता है। और इनकी जो व्यवस्था है चुनाव करवाने की वो राज्य आयोग मतलब राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि स्थानीय जो भी शासन है उसका चुनाव कौन करवाता है, तो हर राज्य में अपना अपना एक क्या है चुनाव आयोग होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव आयोग है वो आपका विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव करवाने की व्यवस्था करता है, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट है इन्हें भी आप लोग याद रखिए। लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांव को सुधारने और वहां शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हो। अनंत सैनम अयंगर इन्होंने कहा था संविधान सभा के बाद विवाद में, ठीक है। ये 17 नवंबर 1948 की बात है। आप लोगों को मालूम होना होगा कि आपका संविधान कुछ प्रावधानों के साथ कब लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और पूरी तरह से ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरह के, तो याद रखिए। अगर स्वतंत्र भारत में अगर हम लोग स्थानीय शासन की बात करें तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला है, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है कि 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे आप लोग CDP भी कहते हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, और इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश मसलन गुजरात और महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश या केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित यानी कि रोक दिए होते रहते थे, ठीक है, रुकते रहते थे। तो ये तो शुरुआत की व्यवस्था है कि किस तरह से, एक तरह से आपने देखा है कि हमने 1857 की क्रांति भी देखी है, उसके बाद आपने समय समय पर एक तरह से आंदोलन देखते रहे हैं। फाइनल आप देखते हैं कि 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तो एक तरह से प्रोसेस चालू हुई वहां से पंचायतों की। तो किसी राज्य में करवाए गए, किसी राज्य में रोक दिए गए, किसी में भंग कर दी गई, इस तरह की स्थानीय प्रशासन को। जब सभी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है तो गांव में मौजूद गुटबाजी से लोग इतने डरते क्यों, इस तरह की व्यवस्था होती रहती है। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई, और सन 1989 में P.K. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संविधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। तो इस समिति को जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेगा कि आपका सबसे पहले संविधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो ये आई थी 1989 की बात है, इसका नाम था P.K. थुंगन समिति, ठीक है। इस समिति को जरूर याद रखिए, इन क्वेश्चंस को याद रखा कर पढ़ लिया करिएगा। जब भी एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं या एक पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद कुछ आपको कहां पहुंचे क्या समझे। नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास तौर पर उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थी। सन 1992 से पहले स्थानीय शासन को लेकर संविधानिक प्रावधान क्यों था,
सन 1960 और 1970 के दशक में किन प्रदेशों में स्थानीय शासन की स्थापना हुई थी? आपने देखा है ना कि ऊपर महाराष्ट्र गुजरात की बात कर रहा हूँ, और आपने देखा है वहां पॉइंट भी देखे हैं कि नेहरू क्यों नहीं चाहते थे पंचायतों की इस तरह से व्यवस्था हो, और डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे, तो ऊपर वो भी आप लोगों ने देखे, तो उन्हें भी आप लोग याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है, पूरी पूरी संभावना है। फिर आप देखते हैं संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। सन 1989 में केंद्र सरकार ने दो संविधान संशोधन की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था कि स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एकरूपता लाना। ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है, और इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका न्यायाधिकार भी अलग है। जिस तरह गणराज्य रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है संविधान में बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त, उसी तरह राज्य भी नगर पालिका के परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपने देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में विस्तार से पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी था, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने, ठीक है। तो आपने देखा है कि केंद्र सरकार हर मामले में आप कहें कि राज्य सरकार पर एक तरह से अधिकार नहीं जमा सकती है। राज्य सूची के विषय अलग है कि इन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन आपने देखा है कि जब राज्यसभा इस तरह का कोई प्रावधान कर दे या संविधान के तहत कोई प्रावधान किया जाए तो उस पर कौन बना देता है? केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। इसी तरह से राज्यपाल का जो भी स्थानीय निकाय है उन्हें भी कुछ एक तरह से व्यवस्था इस तरह की गई है, ठीक है। बाद में आप देखेंगे सन 1992 में संविधान की 73वें और 74वें संविधान संशोधन को संसद ने पारित किया। और संसद कहने का मतलब है कि आपका, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं, और राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। पहले आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में रहे तो इसे आप लोग विधेयक के नाम से जानते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति साहब के सिग्नेचर होते हैं किसी प्रस्ताव पर वो कानून या अधिनियम बन जाता है, ठीक है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन गांव के स्थानीय शासन जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है ये शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से है। आप सुनते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, उसी की व्यवस्था की गई। सन 1993 में 73वां 74वां संशोधन लागू हुआ। तो याद रखिए ये सन 1993 में लागू हुए थे दोनों संशोधन। हमने पहले देखा है कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। विदेशों को इस बात की छूट दी गई कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए एक वर्ष का समय भी दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो अब हम 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलाव की जांच करते हैं। इसमें क्या क्या किया गया है इन्हें देखते हैं। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लिया करिए आप लोग। यदि मैंने इस बात को ठीक ठीक समझा तो मेरे जानते जानते केंद्र ने प्रदेशों को स्थानीय शासन के संबंध में सुधार करने के लिए मजबूर किया। यह अपने आप में मजेदार बात है कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाते तो हैं, लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया के जरिए, केंद्र के जरिए त्रिस्तरीय बनावट की बात की जा रही है पंचायत के लिए, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या कहा गया? अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय होगा। सबसे नीचे यानी कि पहली पायदान पर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर यानी बीच का पायदान मंडल या फिर जिसे आप लोग खंड या ब्लॉक कहते हैं या फिर तालुका कहते हैं ये होता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश के आकार में छोटे और वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर पर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर वाले पायदान की अगर बात करें तो जिला पंचायत होते हैं। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। एक तरह से आपको अगर समझाएं तो आप समझेंगे सबसे पहले पंचायत, फिर बीच में आप देखते होंगे जनपद भी कह देते हैं आप लोग सामान्यतः उस व्यक्ति को, बीच वाली व्यवस्था को जनपद भी कह देते हैं, तालुका भी कह देते हैं, ब्लॉक भी कह देते हैं। ऊपर की सबसे ऊपर जो है उसे कह देते हैं आप लोग जिला पंचायत, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था आप लोग अपने अपने क्षेत्र में देखते होंगे, ठीक है। हो सकता है नाम अलग हो लेकिन व्यवस्था यही देखने को मिलेगी। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेशों के कानून से होता है। अब बात करते हैं चुनाव किस तरह होता है। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है।
हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग कर देती है तो इससे के 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। देखिए आप लोग जब भी पंचायत में अपने गांव में चुनाव वोट डालने के लिए जाते होंगे, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिल चुका है, और अगर आप 21 साल के हो गए तो आप सरपंच भी बन सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग जब जाते होंगे चुनाव वोट डालने के लिए तो आपको 3 जगह वोट डालने होते हैं। एक जगह आप लोग किसके लिए डालते हैं, अपने सरपंच चुनने के लिए, प्रधान चुनने के लिए। दूसरी जगह आप जनपद या बीच का स्तर जो मंडल कहते हैं उसे चुनने के लिए। तीसरे स्तर पर आप डालते हैं सबसे ऊपर जिला के लिए, जिला पंचायत के लिए। ठीक है, याद रखिए जिला पंचायत के लिए चुनते हैं। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायत निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे, और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान भी नहीं था। अब आप जान रहे हैं कि प्रावधान भी कर दिया गया है कि अगर इनका भंग, मतलब एक तरह से जो भी संस्थाएं भंग हो जाती हैं या किसी को हटा दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आरक्षण की बात करें हम लोग पंचायतों में, तो सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, और तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। आप लोग देखते हैं ना कि इस बार आप कहते हैं हरिजन सीट आई हुई है हमारी पंचायत की, आप कहते हैं कि एक तरह से एसटी सीट आई हुई है, जनजाति सीट आई हुई है, एक तरह से आप कह देते हैं कि वो महिला सीट आई हुई है, पिछड़ा सीट आई हुई है, तो यही आरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है, तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद पर आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है, और मैं तो कहता हूँ हर जगह आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था हो जानी चाहिए महिलाओं के लिए। आप जानते हैं लोकसभा में आपने देखा होगा कि 78 महिलाएं चुनी गई हैं आपकी 17वीं लोकसभा में, आप समझ सकते हैं कि आधी से आधी लगभग आधी ही आबादी है महिलाओं की। उनमें आप देखते हैं 543 में से केवल 78 महिलाएं चुनी गई, बाकी पुरुष हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना भेदभाव है अभी भी। ठीक है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, यहाँ आपको मालूम चलता है। विषयों के स्थानांतरण की बात करें तो ऐसे 29 विषय जो पहले राजसूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित भी कर दिए गए हैं। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन से पूछ लेता है कि नई अनुसूची कौन जोड़ी गई थी, भाग कौन सा जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके डाक डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको याद रखना चाहिए मुझे लगता है कि आपका भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी, इसमें आपके 29 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी भी देश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। इसके बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एम लक्ष्मीकांत स्पेशल बुक्स हम लोग जब कवर करेंगे तब हम लोग इन सब आर्टिकल को देख लेंगे कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान रखा गया है, तो ज्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। और एक बात और याद रखिए, आप लोग भी ऐसी वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, मैंने आप लोगों की PDF बनवाकर टेलीग्राम पर डाल दी है, और भी कोई स्पेशल बुक्स आपको नहीं मिल रही हो तो बताइए, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य
केंद्र और डिस्पेंसरी शामिल है। परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्थाओं के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। अनेक आदिवासी समुदाय में जंगल और जल जोहट जैसे सांझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के इस अधिकार की रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। और इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। एक बात आप लोगों को बताऊं, हर चीज के धार्मिक अगर पहलू भी है तो उसके आप कई साइंटिफिक भी पहलू हैं। अब आप जानते हैं कि आदिवासी, आप जानते हैं कि वो जंगलों पर ही निर्भर रहते थे पूरी तरह से। वहीं जो कंद फूल जो भी मिलता था खाते रहते थे और जिंदा बने रहते थे। वो जंगलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आपने देखा होगा कि नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इनकी वो पूजा करते थे। इनको वो लकड़ी को जलाते नहीं थे। आपने देखा होगा इन्हें काटते नहीं थे। तो ये तो उनकी धार्मिक एक तरह से मान्यता हो गई कि इसकी पूजा करनी चाहिए, इसमें भगवान बसते हैं, इसमें ये भगवान बसते हैं। लेकिन साइंटिफिक रीजन की बात करूं तो आप देखते हैं कि पीपल का पेड़ 24 घंटे आपका ऑक्सीजन देता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्यों क्यों जरूरत महसूस की गई है। तो यहां आप शुरू में जो 73वां संविधान संशोधन था तब लागू नहीं किया गया था, लेकिन 1996 में आप देखेंगे कि इन्हें भी आप शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगर राज्य चुनाव आयोग की बात अगर हम लोग करें तो प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। पहले ये काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकारों के अधीन होते थे। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। इसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव संबंध से नहीं है, अलग है बिल्कुल। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो जिस तरह आप केंद्र में वित्त आयोग देखते हैं और चुनाव आयोग भी देखते हैं, उसी तरह राज्य में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेंगे और यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन भी करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मामला मसला ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी स्थानीय काम होते हैं उनके लिए पंचायतों को या आपकी जो भी व्यवस्था है उसे पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की। अब बात कर लेते हैं हम लोग 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या हुआ। ठीक है, तो एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, फिर आगे हम लोग विस्तार से बात करते हैं। कि आप सभी को मालूम होगा कि ये भी आपका 1992 में ही पारित हुआ और 1 जून कब, 1 जून 1993 को लागू हुआ। ठीक है, इस डेट को भी याद रखें क्योंकि कई बार आपका प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है या आप लोग जब आंसर लिख रहे हो तब भी आप लोग इन्हें डाल सकते हैं। इसमें भाग आपका 9A या फिर का डाला गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे यहां भी आपको देखने को मिलेगा नगर पंचायत, फिर आप देखते हैं नगर पालिका, नगर निगम। ठीक, और इसमें 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी और इसमें आपके 18 विषय एक तरह से सूची भी निर्दिष्ट की गई, एक तरह से जोड़ी बताए गए इसमें। ठीक है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान की 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अथवा अर्थात नगर पालिका से। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं होता है। भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो और इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 50% खेती बाड़ी के कामकाज से अलग माने जाने वाले पेशे से हो और गा जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है।
एक तरह से आपकी ये क्या है, शहरी इलाके की परिभाषा है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिए। अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में संविधान के 73वें संविधान संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान, मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग के 74वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिका पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। यह कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिख दिए गए हैं। एक तरह से कहने का मतलब है कि वही प्रावधान, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, आरक्षण की व्यवस्था बात होगी, इसके लिए भी एक वित्त आयोग होगा, एक चुनाव आयुक्त होगा, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट है, क्या यह आशा की जाए कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव निकाय झुग्गी झोपड़ी वासियों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए कुछ करेंगे अथवा कम से कम उनके लिए शौचालय आदि का निर्माण भी कराएंगे। इसके लिए इसी व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक तरह से व्यवस्था की गई थी कि आप देखते हैं कि आप जिस शहरी इलाके में रहते हैं उसके आप देखते होंगे उस जगह भी आपको झुग्गी झोपड़ी देखने को मिल जाती हो। तो इनके इनकी व्यवस्था इसीलिए इनका गठन किया गया था कि उनकी स्थिति को सुधारा जाए, उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। अगर बात करें हम लोग 73वें और 74वें संविधान संशोधन की, तो अब सभी प्रदेशों में 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और इस अवधि 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब 3 दफे चुनाव हो चुके हैं। आपके देख सकते हैं आप लोग की 1992-93 से कितने बार चुनाव हो चुके हैं अभी तक, आप लोग जोड़ के आप लोग भी जान लीजिए और नीचे आप लोग लिखिए, बताइए कब कितने बार हो चुके हैं आपके राज्य में, ठीक है, आप जहां से भी हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायत की संख्या 600 से ज्यादा, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की संख्या 6000 और ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम देखने को मिलेगा और 1400 नगर पालिकाएं, 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है, इनमें से 13 लाख महिलाएं, और यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि ये समय समय पर डाटा बदलता रहता है, नई नई आप देखते हैं कि जो आपकी ग्राम पंचायतें होती हैं गठन होता रहता है, तो परेशान मत हुई है इसके लिए आप लोग क्या किया करिए, करंट अफेयर से जुड़ा रहिए, आप लोगों को सब जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग लोकसभा राज्यसभा टीवी भी फॉलो करिए, PIB न्यूज भी फॉलो करिए, आप लोग जनसत्ता या दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर भी फॉलो करती रहिए इनमें से दो में से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना उसके कुछ नहीं उखड़ने वाला है, किसके, न्यूज़पेपर के या करंट अफेयर्स के। यह झंडा स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। लोग सिर्फ अपने लिए औपचारिक कानून नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि इन कानूनों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। और संक्षेप में लिखिए इस कि आप इस नारे के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे गाँव में हमारा राज्य। एक बात और आपको बताऊं, आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि मैं ऊपर से 1 रुपये बेचता हूं, नीचे 12 पैसे पहुंचते हैं, बीच में कौन डकार जाता है। तो आप समझिए नीचे पंचायत में सरपंच साहब बैठे हुए हैं, वो मांग सकते हैं ना हिसाब ऊपर वाले, जहां से व्यवस्था चली हुई है कि ऊपर से 1 रुपया आया हुआ था हमारे लिए फंड, कहां गया ये। लेकिन आप जानते हैं कि वो 12 पैसे आते हैं तो 10 पैसे किसके लिए होते हैं, 10 पैसे आपके सरपंच साहब और सचिव साहब डकार जाते हैं और जो बाकी 2 पैसे बचते हैं उससे आपका कल्याण या विकास होता है, आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाता है, आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल भी तैयार होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है, इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज्यादा है, माफ करिए। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर महापौर हैं और नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्राधीन प्राधानी महिलाओं के हाथ में।
संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। अनेक मामलों में पाया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती हैं और ज्यादा संवेदनशील होती हैं। अनेक मामलों में यह देखा गया कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं अथवा महिलाओं को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता है रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है। अभी भी आप देखते होंगे कि कोई सरपंच के लिए अगर सरपंची के लिए अगर महिला खड़ी होती है तो उसके आगे पुरुष का नाम लिखा जाता है या पुरुष का साथ में जोड़ दिया जाता है नाम। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। और एक कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था आपका, उसमें कहा था कि अगर देश की बागडोर महिलाओं के हाथ में रहे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुकता है, बढ़ चुका होता और बढ़ सकता है। कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं और आप समझेंगी कि वो किसी मुद्दे के प्रति बड़े लगाव से काम करती हैं और उनमें भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति भी कम पाई जाती है। ये आप लोग अपवाद बता सकते हैं कि सर वहां वो उसने किया अपवाद ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, अधिकतर मामले में आपको देखने को मिलेगा महिलाएं बढ़िया काम करती हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पुरुष काम गलत करते हैं, लेकिन कोई वो कहते हैं ना कि एक दो मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, उसी तरह अधिकतर पुरुष में आप लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है, इस चित्र को देखिए, दिल्ली मुंबई वामा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार। इस चित्र में देखें वो स्थानीय सरकार या खुली धूप में बैठी हुई है, क्या कोई और खास बात आपका ध्यान खींचती है? पहले ऐसी तरह की व्यवस्था हुआ करती थी कि सभी पंच या सरपंच मिलकर इस तरह के काम फैसले लेते थे कि गांव में क्या है, एक पंचायत लगा करती थी, आपने देखा होगा सप्ताह में या महीने में। लेकिन आजकल सब व्यवस्थाएं ठप है, आजकल सरपंच के बारे में मालूम नहीं है, सचिव के बारे में मालूम नहीं रहता है कौन हमारे यहाँ क्षेत्र का सरपंच है, तो ये भी देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही अधिकांश विदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी बनाया है। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति और 8.2% अनुसूचित जनजाति देखने को मिलेगी। स्थानीय शासन की शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों ने में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है और इससे स्थानीय निकायों की सार्वजनिक सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है। कभी कभी इसके तनाव पैदा होता है, जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता था, इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते, जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होना स्वाभाविक सी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, इन्हीं लोगों का शासन रहता था गांव में। ठीक है, जमींदारों का आप देखते थे कि किस तरह से शासन रहता था। लेकिन मान लीजिए कि आप ओबीसी या फिर आप देखेंगे सामान्य वर्ग के आप जमींदार हैं और आपके यहाँ सीट सरपंच की आ गई ST या ST या फिर महिला, तो आप वहां क्या करेंगे? वहां तो आपके पास उपलब्ध भी कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, आप एक तरह से मजबूर हो जाएंगे कि उसी व्यक्ति को जिसके लिए वो सीट आरक्षित की गई है उसी व्यक्ति को जिताया जाए चुनाव। तो इस तरह की आप समझिए काफी आजादी मिलना शुरू हुई और एकता कायम हुई। ठीक है, वरना आप आजादी की समझ सकते हैं कितना भेदभाव था। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक विदेशों में अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं होती है। ठीक है, पर आप देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिनी अमेरिका के देश में बोलिविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जनभागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके
सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुआ। देश के नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। बोलिविया में 314 नगर पालिका है। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं और इन्हें प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद भी होती है और स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। बोलिविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने और आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बोलिविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा और बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का भी अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। ये अच्छी बात है। आप देखेंगे स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था आपको सभी तक पहुंचानी है, शिक्षा सभी तक पहुंचानी है, तो आपको निचले जो भी स्थानीय प्रशासन है उसे आपको विश्वास में लेना होगा, उसे भी इस निर्णय में आपको भागीदारी बनाना होगा। आप समझ सकते हैं स्थानीय निकायों के पास अपना यह कह सकने लायक धन बहुत कम होता है कि स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे काम कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता बहुत क्षरण होती है और शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम है और खर्च ज्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने पर वाले पर निर्भर होते हैं। और आप जानते हैं मुझे लगता है कि कौन काम करता है, नगर आपकी जो भी पंचायतें हैं वही तो मेन काम करती हैं एक तरह से, ठीक है। उन्हें सबसे ज्यादा धन की जरूरत होती है। केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा धन की जरूरत होती है। केंद्र को सबसे कम एक तरह से कह सकते हैं धन की जरूरत होती है, क्योंकि स्थानीय लोगों को देखना काम इन लोगों का है ना कि केंद्र सरकार का, पूरी तरह से समझ रहे हैं। ये लोग अच्छे ढंग से काम करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। इसलिए बोल नहीं रहा हूं कि अगर लोग करते, सरपंच अच्छा काम करते, सचिव साहब अच्छा काम करते, तो मैं बोल देता कि करते, ठीक है। निष्कर्ष भी दिया गया है इस चैप्टर का, तो इसे भी देखिए। इस अनुभव से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता की वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार हैं रहे हैं। और आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदारी जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होगा, होना चाहिए किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जमा पहनाने में होती है। एक तरह से मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि देखिए कानून या योजनाएं तो 1000 बनती हैं, लेकिन उनका प्रावधान नीचे तक तबके तक पहुंच पा रही है, उनका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये कौन लागू करता है। ऊपर से मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कोई योजना बनाई हुई है, अब आप जानते हैं कि डायरेक्ट केंद्र सरकार तो जाके प्रधानमंत्री उस योजना को लागू नहीं करेंगे, सबसे निचले तबके के व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। इसके लिए ग्राम पंचायतों का गठन इसीलिए किया गया था एक तरह से, आप समझ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका बन चुका है, कई स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि आखिर आवश्यकता क्यों थी स्थानीय प्रशासन की या स्थानीय स्वशासन की। तो इसके लिए आपको 4-5 पॉइंट बता देता हूं, तो आप लोग इन्हें याद रखिए। इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठन में रुचि लेते हैं। मेरा सीधा सा कहने का मतलब इतना ही है कि इस व्यवस्था का गठन इसलिए किया गया था कि इसमें सबसे निचले तबके का भी ध्यान रखा जा सकता है, उनकी भी भागीदारी हो सकती है, उनकी समस्या क्या है उनका भी समाधान किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा यह है कि स्थानीय लोगों को इस स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं और चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अतः निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि वहां की परिस्थिति क्या है, वहां की समस्या क्या है, वहां की जो जरूरतें क्या है, वो वहां का ही व्यक्ति समझ सकता है। इसके लिए सरपंच की नियुक्ति की जाती है कि वहां की समस्याओं को देखे और ऊपर तक उनसे अवगत कराए लोगों को, ठीक है। फिर आप देखेंगे महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी इस मुख्य धारा में जुड़ पाई हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और इसके माध्यम से आप देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से निकलना शुरू हुआ है, ठीक है। यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित भी हो सकती है, जहां से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। जो निचले तबके से नेता निकलेगा
वो बेहतर मुझे लगता है कि देश को चला पाएगा, या जमीनी स्तर पर लोगों में नियोजन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की भावना भी पैदा कर सकता है, और स्थानीय शासन से भारत की विविधता और अधिक सम्मान मिलता है, उनको भी एक तरह से प्रबल यानी कि दमदार कर सकता है। यही आपकी एक तरह से कह सकते हैं आप लोग की स्थानीय स्वशासन की इन्हीं के लिए आवश्यकता है। लेकिन इनमें आपकी समस्याएं भी देखने को मिलती रहती है कि आखिर स्थानीय सरकार की समस्याएं आखिर क्या क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो स्थानीय सरकारों को दिया गया जो भी धन है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि जो आपका अनुदान पंचायतों को या स्थानीय शासन को मिलता है वो उनके काम के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और कई बार आप देखते हैं कि स्थानीय निकायों के कामकाज के प्रति रुचि की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वे भी कम रुचि लेती हैं। आपके सरपंच आप देखते हैं कम रुचि समस्याओं के प्रति एक तरह से खत्म करने या समाधान करने के लिए कम ही रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में। अक्सर आप लोग देखते होंगे चुनाव को स्थगित करने यानी कि रोकने से लेकर राज्य वित्त आयोगों और जिला योजना समितियों के गठन में विफलता तक राज्य सरकारें भिन्न भिन्न प्रावधान का उल्लंघन भी यानी कि इनका अनदेखा भी करती रहती है। कर्मचारियों की आपको यहाँ कमी भी देखने को मिलेगी, बुनियादी ढांचे में आपको कमी यहाँ देखने को मिलेगी, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपको जो यहाँ के जो भी दावेदार होते हैं वो भी एक तरह से भ्रष्टाचारी काफी भ्रष्टाचार होते हैं, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके काफी एक तरह से सफलता मिली हुई है। आप समझ सकते हैं कि आज चुनाव लड़ने में आप एक तरह से सबसे सफलता तो यही कह सकते हैं कि ST SC को काफी ऊपर उठ रहे हैं, महिलाएं भी काफी मुख्य धारा में जुड़ रही हैं, तो ये उसके लाभ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। तो ये थी कहानी आपकी किसकी, स्थानीय प्रशासन की। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और टेंशन मत लीजिएगा इन्हें, यहाँ आप लोगों केवल एक तरह से आपका बेस मजबूत करने के लिए NCERT पढ़ाई जा रही है, पर आपका एम लक्ष्मीकांत में आपका एक तरह से सब कुछ कवर कर हो जाएगा वहां। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर है स्थानीय शासन। अब बात आएगी 9वें चैप्टर की, संविधान एक जीवन दस्तावेज, इसके बारे में भी हम लोग बड़े विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे।